हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका था बिलासपुर शहर के व्यापार एवं उद्योग मेला। दोस्तों, यहां दूर दूर से लोग आते हैं, बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं अपना सामान को सेल करने के लिए। तो ये चालू होगा, इसके बाद दो नंबर चालू होगा। ये दो नंबर अपन चालू कर दिए, वो वाला दो नंबर चालू होगा। सो गाइस, फन फूड गेम जोन में मैं एंट्री किया हूँ और यहाँ पर मैंने भेल लगवा लिया। सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दिया, तो चले मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन झूला है, जिसका एक्टिव डिस्चार्ज है और ये भी टोरा टोरा झूला की तरह बहुत खतरनाक रहता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आकाश झूला है, जिसका सबसे ज्यादा व्यापार मेला में चार्ज है 100 रुपीज। गाइस, तो गाइस, यहाँ पर सुपर ड्रैगन ट्रेन झूला है, जिसका 80 रुपीज चार्ज है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन के शेप में है ट्रेन। ये गुड़िया को देखो, ये बिना डर के डर और ट्राई करने का कोई चार्ज नहीं। भैया, कानपुर का प्रोडक्ट है, आपके शहर में आया हुआ है, एक बार जरूर आइएगा। इसको तोड़ी बोलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका था बिलासपुर शहर के व्यापार एवं उद्योग मेला। दोस्तों, यहां दूर दूर से लोग आते हैं, बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं अपने सामान को सेल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप यहां आओगे तो अपने सामान को आप सेल कर सकते हो। स्टॉल में जो बनाए हुए भैया लोग, वहां किराए पे आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, यहां बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम आते हैं, सामान आते हैं, फूड वगैरह बहुत सारी चीज आते हैं। गाइस, तो चलिए इसको चलते हैं देखने के लिए, व्यापार मेला बिलासपुर। दोस्तों, ये एक हफ्ते के लिए लगा है, पहली बार साइंस कॉलेज बिलासपुर में व्यापार मेला। बिलासपुर में बहुत जगह लगता है पर साइंस कॉलेज में पहली बार लगा है गाइस, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो चलिए यहाँ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ बिलासपुर शहर के व्यापार मेला को, आपको मैं घुमाता हूँ। तो चलिए यहाँ चलते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो गेट है साइंस कॉलेज का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम हमारे केटरिंग पार्टनर रौनक केटरर का। तो गाइस, सामने में यहाँ पर आप देख सकते हो आकाश झूला है, जो कि क्लरिंग पूल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से व्यापार मेला में क्राउड आए हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। गाइस, चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कितना तबाही लग रहा है व्यापार मेला। दोस्तों, डिजिटल रूप से भी बहुत सारे चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसके अलावा यूनिक यहाँ आए हुए हैं व्यापार मेला में चीजें, उसको आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। एक से एक एंटिक चीज आए हुए हैं, बहुत पुराने पुराने चीज आए हुए हैं दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पर वेट नापने का मशीन है और ये एक अलग ही तरीके का है। इसमें देखिएगा, आप स्क्रीन में पूरा अच्छे से बताता है कि आप 56 किलो कॉमेडी टाइप से बोलता है। 50 किलो आप गरीबों का साथ देते हैं, झुक जाते हैं। नमस्कार। सबसे पहले बेल जैसे चालू होगा तो इसके में सबसे पहला नियम है सिक्वेंस कंट्रोल में चलता है। ये पहले एक नंबर चालू होगा तभी दो नंबर चालू होगा। इसको चालू करने से पहले ये जैसे अपन चालू किए, एक संकेत है कि बेल्ट चालू हो रहा, दूर हो जाओ। जो लापरवाही से बैठे होंगे वो दूर हो जाएंगे। अब बेल चालू हो गया, अब जो लगातार बजता है, एक आवाज देता है कि बेल चालू है, वो आपके ये बज रहा है। तो ये चालू होगा, इसके बाद दो नंबर चालू होगा। ये दो नंबर अपन चालू कर दिए, वो वाला दो नंबर चालू होगा। तो ये दो नंबर चालू होगा, ये भी सिक्वेंस कंट्रोल में ही है। इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स लगे हुए, अगर ड्रम उठा, बेल्ट टूटा, बेल्ट साइड हुआ, कहीं भी कुछ होता, बेल्ट अपने आप बंद हो जाएगा। सिग्नलिंग का कोई घंटी नहीं मारा, हाँ, मतलब सिग्नलिंग का कोई घंटी छुआ, ऑपरेटर नहीं है, बेल्ट अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब पूरे जितने डीजीएमएस के सेफ्टी फीचर्स वहां से बताए गए हैं, सारे इसमें लगे हुए। ये जमुना कटना एरिया का प्रोजेक्ट है, वहाँ से एसएससीएल वालों ने मंगवाया। कोल माइंस का ही प्रोजेक्ट है, अपने खदान वाले ही बनाया। तो मेले की बस इतनी सी बात कहते हुए मैं हमारे आज के अतिथियों को, जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जिनका हम एड्रेस सुनना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का उनके जीवन में क्या महत्व है, कैसे वो देखते हैं, और उनके जीवन से कुछ बातें संक्षिप्त में वो हमारे साथ भी आज शेयर करेंगे। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये बीएनआई का प्रथम प्रयास है। तो हम 500 से ज्यादा स्टॉल्स के साथ और पूरे भारत देश के 100 से ज्यादा व्यापारियों के स्टॉल्स के साथ हम बिलासपुर शहर को। सो गाइस, व्यापार मेला बिलासपुर में घूम रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे स्टॉल है, नॉर्मल। चलिए उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। उसके अलावा जो यूनिक लगेगा अपन को, जो एकदम यूनिक रहेगा, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तो चलिए आपको दिखा जाता हूँ गाइस। बाकी क्राउड इतना है ना, आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाए। तो गाइस, यहाँ पर भैया पर्क उड़ा रहे हैं। बचपन में मैं इसको बहुत लेता था और खेलता था घर जाके रात के समय, मेले से आने के बाद। ये देख सकते हो, और यहाँ पर दो चार बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही।
ये देखिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं व्यापार मेला में एंट्री किया, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे एंटीक चीज दिखे, बहुत पुराने पुराने जो रहते हैं वो चीज दिखे। तो भैया इसका कैसा प्राइस और क्या क्या है ये बता दीजिए, किस मटेरियल से बना ये भी बता दीजिए। ये टेराकोटा का बना हुआ है पूरा मटेरियल, और सब मतलब छोटे पॉट्स हैं, बड़े हैं, उसमें अलग अलग रेट। जैसे फ्लोटिंग वाले पॉट हमारे पास हैं, तबला स्टैंड वो बैठने के लिए काम आता है। तो गाइस भैया इसको प्रॉपर अपने हाथों से बनाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट है, और भैया लखनऊ से आए हुए हैं। दोस्तों अगर आप यहां आओगे तो आपको लो से लो बजट में 500 से 4000 के बीच में बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। खुद बनाए ना भैया? खुद बनाए हैं, देख सकते हो। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा आर्टिजन का कार्ड बना हुआ है, हम लोग खुद कारीगर हैं। सो गाइस यहाँ पर तमिलनाडु राइस पापड़ का भैया का शॉप है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के चिप्स वगैरह है, पापड़ वगैरह है। 100 रुपए का एक पैकेट है, 500 के 6 पैकेट है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या पापड़ है? 16-17 तरह के, ओनियन है, टमाटो गार्लिक है, रागी है, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, स्वीट कॉर्न है। सबका प्राइस सेम है भैया? और ये मीठे में क्या आइटम है भैया? केरल का ड्राई फ्रूट हलवा है, फ्रूट के फल देसी घी दूध से बना होता है, 3 महीने खराब नहीं होता। अच्छा, टेस्ट करके देखिए। तो गाइस यहाँ पर तमिलनाडु राइस पापड़ है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे चिप्स वगैरह ले लिए, इसको घर जाके फुल खाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर व्यापार मेला में मेरे को एक भैया का जो स्टॉल है वो यूनिक लगा। यहाँ पर बहुत सारे माइंड डेवलपमेंट टॉयस हैं और एजुकेशन आइटम्स हैं बच्चों के लिए। अगर आप बिलासपुर शहर के व्यापार मेला आओगे तो इस आइटम को आप एक बार जरूर परचेस करेगा, क्योंकि ये बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फन फूड गेम जोन में, व्यापार मेला बिलासपुर के। सो गाइस फन फूड गेम जोन में मैं एंट्री किया हूँ और यहाँ पर मैंने भेल लगवा लिया। सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दिया, तो चले मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं खा रहा हूँ स्ट्रीट फूड में चाउमीन। दोस्तों फन फूड गेम जोन में यहाँ पर मैंने आपको फूड तो दिखा दिया, क्या क्या बहुत सारे है रहने के लिए। ये बात अब लगा होगा तबाही डर, ये देखिए टोरा टोरा जिला। यही सब तो मेन है भाई मेले में। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन झूला है, जिसका 80 रुपीज चार्ज है, और देखिए कितना बड़ा है भाई, ये देखिए। काफी लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, फुल डरावना है बोल दीजिए। ये सब झूला मैं झूलता नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है भाई। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक डांस झूला है, जिसका 80 रुपीज चार्ज है, और ये भी टोरा टोरा झूला की तरह बहुत खतरनाक रहता है। ये देख सकते हो, ये एक ही बार में तुरंत हद से राउंड घूमता है, जो कि ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे जैसे। भाई ये छोटा सा बाबू डर जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आकाश झूला है, जिसका सबसे ज्यादा व्यापार मेला में चार्ज है 100 रुपीज गाइस फिलहाल। उसके बाद जो टोरा टोरा है, ब्रेक डांस है, और ड्रैगन वगैरह, ये सब 80 रुपीज है, बट आकाश झूला का 100 रुपीज है गाइस। सो गाइस यहाँ पर सुपर ड्रैगन ट्रेन झूला है, जिसका 80 रुपीज चार्ज है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन के शेप में है ट्रेन, इसलिए ड्रैगन झूला इसको बोलते हैं, और ये राउंड राउंड बस लगाता है गाइस। सो गाइस यहाँ पर हॉर्स वाला झूला है, कई बच्चे लोग डर रहे हैं, पकड़े हैं जोर से, कई लोग तो हाथ को खुला छोड़ दे रहे हैं, डर ही लग रहा है उनको। देखना कहाँ गई गुड़िया, ये गुड़िया को देखो, ये बिना डर के, बिना डर, और दिखाता हूँ ये गुड़िया, ये व्हाइट वाली, ये भी बिना डर के देखना, ये अभी ये देखो हाथ को छोड़ दे, कहाँ गए, ये देखो ये सिग्मा गर्ल, ये तो डर रहा है भाई बाबू। ये देखिए एक और, अरे लड़की लोग पूरा छोड़ दे रहे हैं, लड़के लोग भी छोड़ दो भाई, इज्जत रखो मेरा, ब्लॉगर हूँ, लड़का हूँ मैं। ये देखो अभी पकड़ी है, डर लग रहा है साथ तेज हुआ तो, ये तो बहुत डर रहा है। सो गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए हाथी वाला झूला है, इसका भी चार्ज 50 रुपीज है, ये आप देख सकते हो हाथी के सेप में झूला।
सो गाइस यहां पर हेलीकॉप्टर वाला झूला है, इसका चार्ज अभी 50 रुपीज है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों बचपन में इस झूले में झूला था, मेरे को बहुत डर लगा था जब मैं छोटा था तब, और बोल रहा था कि मुझे नहीं झूलना, रोको रोको रोको, उससे बड़ा था रहने के लिए। तो हेलीकॉप्टर वाला जो है ये देखो बच्चे लोग कितना डरना चालू कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर वाला झूला भाई। सो गाइस यहाँ पर बच्चों लोग के लिए बोटिंग गेम है और इसका 50 रुपए चार्ज है, ये देखिए 10 से 15 मिनट आप अपने बच्चों को यहाँ पर बोटिंग करा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बोटिंग, बहुत सारे बच्चे लोग कर रहे हैं बोटिंग और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अर्जुन राजस्थानी करके अचार है, बहुत सारे अचार है गाइस यहाँ पर, आप आम का अचार, नींबू का अचार, करले का अचार, बहुत सारे जो अचार है यहाँ पर आप ले सकते हैं दोस्तों। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो चंदन फेस पाउडर है, आयुर्वेदिक अगरबत्ती हो गया, बालों में लगाने के लिए तेल हो गया, काजल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे गट्टू बट्टू वाला के स्टॉल के अंदर घुस गया हूँ, थोड़ा समय दे रहे हैं भैया लोग मेरे को। और 12 पाउच का आपको 50 रुपए है, 60 रुपए पड़ना चाहिए लेकिन 50 में आपको मिल जाएगा, हाँ पर पाउच 4 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप लोगे 50 रुपए में तो आपको 12 पाउच मिल जाएगा, यानी कि 12 अलग अलग आप ले सकते हो या फिर एक ही चीज को 12 ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रहा हूँ 12 अलग अलग फ्लेवर, टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, भूख लगेगा तो आराम से खाएंगे, नाश्ता में मन लगे तो बैठ के खा सकते हैं। और ट्राई करने का कोई चार्ज नहीं भैया, कानपुर का प्रोडक्ट है, आपके शहर में आया हुआ है, एक बार जरूर आइएगा, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो यहाँ पे भैया को बोला थोड़ा थोड़ा सब पैकेट को डालो करके, टेस्ट लगना चाहिए, सब खा खा के देखेंगे, कोई अच्छा लगता है कोई एक आठ को खा के ना तो उसको और लेने आएंगे। सो गाइस व्यापार मेला में मैं घूम रहा था तो यहाँ पर मेरे को एक यूनिक दिखा, 20 रुपए मात्र, कंप्यूटर द्वारा आपके अपने आंखों की जांच करवा सकते हो, उसके अलावा रक्तदान का भी शिविर लगा हुआ है। ये जो रक्तदान शिविर है वो बोर्ड के थ्रू बाहर में भी लगा हुआ था, जैसे अगर आप रक्तदान करोगे आपको गिफ्ट मिल जाएगा। इसको तोड़ी बोलते हैं, ये बजाई जाती है, बस्तर के सारे शुभ काम में इसका उपयोग किया जाता है, पूजा पाठ सभी चीज के उसमें, ये बस्तर का घरवा कला है, ये 16 स्टेप पे एक समान बनता है, इतने इस टाइप के जिस टाइप के आइटम है, जैसे नंदी हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, आदमी कुछ करते हुए, ये सब मेटल से बने भैया, ये ब्रास के हैं पूरे, नोकरा कला पीतल आर्ट है, ये बस्तर आर्ट है लोहे के और इसके, और ये जो टेराकोटा का है ज्वेलरी, ये पेंड्रा की है, ये पूरे बस्तर लोहे और उसके पूरे जो बैम्बू वर्क है वो आपका बिलासपुर के पास पोड़ी है वहाँ का है। फाउंटेन है ये आपका, इसमें नॉर्मल जो कूलर पंप काम करता है उसी हिसाब से काम करता है, बाकी ये गन सीनरी है, ये आपका एंटिक जो पुराने समय का फोन होता था उसमें चालू फोन है ये, यानी ये काम करता है जी, ये काम करेगा, वो नहीं, वो काम नहीं है, वो 100 पीस में, बाकी 100 पीस में आप एंटिक्स में जाएंगे या फिर आर्टिफैक्ट्स में तो ये आपका स्पेस सूट वाला है, मैट्स के, ग्रास और लूअर्स, ब्लाइंड वगैरह का भी काम है अपना, आपका वॉलपेपर हो गया उसके भी काम है जी। अपना ये थॉमस कैंट लंदन की घड़ी है वो आता है, उसके अलावा मेटल्स की है, ये आपका 10 किलो वजन है इसका जी, इसमें जितने गियर है सारे गियर घूम रहे हैं, बाकी आपका वर्ल्ड ट्रेवल्स का है, ये भी मेटल के हैं, फाउंटेन्स तो आप देख ही रहे हैं सामने में रखे हैं, बड़े साइज में भी हैं, बाकी मेटल सीनरी में भी हैं और क्रिस्टल सीनरी भी मिलेंगे आपको, शॉप पे आएंगे तो सर और भी आइटम मिल जाएंगे आपको। जो भी वीडियोस है आपके मोबाइल जो इमेजेस है, ये हमारा लोगो कंपनी का इमेज फॉर्मेट में इमेज हमने इसमें सेंड किया हुआ है, ये जैसे मेरा फोटो है, ये मैंने ऐप से बना करके इसमें डाला हुआ है, मतलब कोई सा भी जो इमेज है जो मोबाइल में देख सकते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, मतलब यहाँ बनाने आए हैं। Thank you.
गाइस आपको मैंने घुमा के दिखा दिया क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं गाइस। तो दोस्तों चलिए प्रोग्राम वगैरह का देखते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। बाकी यार कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पूरा दिखा दिया व्यापार एवं उद्योग मेला बिलासपुर जो कि एक हफ्ते के लिए लगा था साइंस कॉलेज बिलासपुर में। चलिए प्रोग्राम देखते हैं फिर आते हैं घर।